I gave you my heart. नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना NCERT कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत हम लोग NCERT ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस और पॉलिटी 9th से लेकर के 12th क्लास तक का पढ़ेंगे हिंदी माध्यम में। और यह जो प्रोग्राम होगा वह UPSC, PCS और अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनको ध्यान में रख करके बनाया गया है, ताकि बुक पढ़ने की जो जरूरत है, जो किताबें पढ़ने की NCERT किताबें पढ़ने की जरूरत है वो न रहे। एक्चुअली क्या होता है कि NCERT किताबें जब हम पढ़ने जाते हैं तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो कि इररिलेवेंट होती है, परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। तो पूरी किताब पढ़ने से अच्छा है कि उसका सारांश पढ़ा जाए, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है परीक्षा के लिए उसको अलग से निकाल करके और एक साथ पढ़ा जाए नोट्स वाइज, ताकि हमें आसानी हो रिवीजन करने में भी और पढ़ने में भी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कार्यक्रम बनाया है, जिसमें आज हम लोग क्लास 9th का ज्योग्राफी अध्याय 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है आकार और स्थान। एक्चुअली क्या होता है कि जितने भी आप UPSC की तैयारी करने वाले अनुभवी लोगों से पूछ ले या फिर PCS की तैयारी करने वाले लोगों से पूछ ले, हर जगह आपको ये जरूर कहा जाता है कि NCERT के नोट्स पढ़ना आवश्यक है, NCERT की किताबें पढ़ना आवश्यक है। लेकिन होता क्या है, जब हम लोग YouTube पर या फिर अन्य सोशल मीडिया पर कहीं भी सर्च करते हैं, किसी भी वेबसाइट पर सर्च करते हैं, तो हम लोगों को मिलता क्या है, जो PDF मिलता है या फिर जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मिलता है वो अंग्रेजी माध्यम में मिलता है। तो इससे क्या होता है, हमको रिवीजन के टाइम पे बार बार वो वीडियो देखना पड़ता है। अगर हमारे पास हिंदी माध्यम में वो PDF या फिर जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो अवेलेबल हो, तो हम लोग एक बार वीडियो देख करके उस टॉपिक को समझ लेंगे और उसके बाद फिर PDF या फिर वो प्रेजेंटेशन पढ़ करके दोबारा रिवीजन आसानी से कर सकते हैं। तो यही देखते हुए मैंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इसमें आपको हिंदी माध्यम में सारे नोट्स भी मिल सकेंगे और आप वीडियो के माध्यम से हर टॉपिक को समझ भी सकेंगे, ठीक है। तो ये कार्यक्रम आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ, और कोशिश रहेगी कि हर 2 दिन में आपको एक चैप्टर जरूर मिले। और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि BPSC जो एग्जाम हमारा जुलाई लास्ट में होने जा रहा है या जून लास्ट में होने जा रहा है, उससे पहले मैं 9th से लेकर के 12th तक के टोटल जो भी मैंने सब्जेक्ट बताए हैं, आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, तो ये जो चैप्टर्स हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फिर उसमें साइंस में पर्यावरण भी आ गया, तो ये सारे जो विषय हैं उनके मैं नोट्स आपको दे दूँ और ये वीडियो विश्लेषण कर दूँ, ताकि आपको रिविजन करने में आसानी, ठीक है। तो ये आज हम शुरू करते हैं अध्याय 1 9th ज्योग्राफी का, जिसका नाम है आकार और स्थान। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत का परिचय। तो भारत सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, इसका उल्लेखनीय इतिहास है, यह हम लोग सब लोग जानते हैं, हमें इस बात पर गर्व भी होना चाहिए। ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के बाद इसने बहुआयामी सामाजिक आर्थिक प्रगति हासिल की है। कृषि, उद्योग, प्रौद्योगिकी और समग्र आर्थिक विकास के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। अब हम लोग देखते हैं भारत की स्थिति ग्लोब पर क्या है। तो यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8° 4' उत्तर से 37° 6' उत्तर अक्षांश तथा 68° 7' पूर्व से 97° 25' पूर्व देशांतर तक है। अब हम लोग यहाँ पर ग्लोब पर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका 0° जो है ये आपका है भूमध्य रेखा। तो इससे देख सकते हैं कि उत्तर में ये स्थित है, और जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं उनको हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं, और चूंकि इसके उत्तर में स्थित है इसलिए ये उत्तरी अक्षांश में है हमारा भारत, ठीक है, ये भारत है आपका। और यहाँ पर देख सकते हैं आप ये 0° ये देशांतर रेखा है, ठीक है, और ये जो देशांतर रेखा है इससे भारत कहाँ है, पूर्व में स्थित है, इसलिए पूर्वी देशांतर में। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में है, मतलब उत्तर पूर्व में, ठीक है। आगे देखते हैं,
कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट, मतलब 23.5 डिग्री इसको कहा जाता है, उत्तर में देश को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं मैप पर। यहाँ पर तो ये देखिए, यहाँ पर ये 24 डिग्री दिया हुआ है, तो इसके जस्ट नीचे ये 23.5 डिग्री आपका कर्क रेखा है। और ये जो कर्क रेखा है वो भारत को देख रहे हैं आप कि एक ये भाग और एक ये भाग, तो दो बराबर भागों में बांट रही है कर्क रेखा है, ठीक है, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप, दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह आपका अरब सागर में स्थित है। तो यहाँ पर वो भी देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए आपका ये दक्षिण पश्चिम है, और इसमें अरब सागर में आपका लक्षद्वीप समूह है, और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपका दक्षिण पूर्व में है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसमें शामिल किया है, मैप भी शामिल किया है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब हम लोग देखते हैं भारत का आकार। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, और विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है भारत। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये चार्ट है, ये ग्राफ है, जिसमें आपको विश्व के सारे जितने भी टॉप 7 बड़े देश हैं उनके बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं भारत जो है वो 7वें नंबर पर है, और 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर जो है, यहाँ पर ये जो पैमाना है वो लाख वर्ग किलोमीटर में दिया हुआ है। तो 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। और यहाँ पर इससे ये भी देख सकते हैं आप कि सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के लिहाज से, तो रूस है, जो कि 17.09 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद कनाडा है 9.98, संयुक्त राज्य अमेरिका है तीसरे नंबर पर 9.62, चौथे नंबर पर चीन है 9.59, पांचवें नंबर पर ब्राजील है 8.51, ऑस्ट्रेलिया आपका छठे स्थान पर है 7.69, और सातवें स्थान पर भारत है 7.3.28 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर, और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। तो ये स्थल सीमा का क्या मतलब हुआ, जहां तक भारत की भूमि है, ठीक है, वहां तक की सीमा अगर देखा जाए तो 15,200 किलोमीटर है। और समुद्री तट रेखा, जो जो समुद्र तट से जुड़ा हुआ हमारा क्षेत्र है, भारत का क्षेत्र है, उसकी जो रेखा है उसका विस्तार जो है 7,516.6 किलोमीटर है, जिसमें हम लोगों ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह को भी शामिल किया हुआ है। आगे देखते हैं, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। आप जानते हैं हिमालय पर्वत नवीनतम वलित पर्वत है, और इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है, और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे 24 डिग्री है, तो इसके थोड़ा सा नीचे 22 डिग्री है, और 22 डिग्री के नीचे आप देख सकते हैं कि ये सिकुड़ता गया है, और इसके ऊपर जो है ये चौड़ा, यही कहा जा रहा है यहाँ पर कि 22 डिग्री जो आपका रेखा है, अक्षांश रेखा है, उसके नीचे ये सिकुड़ता गया है, मतलब कि चौड़ाई इसकी घटती गई, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित थी। तो वो ये तो मैं दिखा चुका हूँ। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका 68 और 97 के बीच में आप लगभग देख सकते हैं कि ये 30 डिग्री हो गया, और यहाँ पर भी 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में देख सकते हैं, तो ये भी लगभग 30 डिग्री है। लेकिन इसमें एक अंतर ये है कि पूर्व पश्चिम का विस्तार जो है वो उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर से लेकर के और दक्षिण तक का जो विस्तार है आपका, वो पूर्व पश्चिम की अपेक्षा थोड़ा सा कम प्रतीत होता है, मतलब पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। यूपी में मिर्जापुर से गुजरने वाला स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.5 डिग्री ईस्ट समय को पूरे देश में भारतीय मानक समय के रूप में
लिया जाता है। आप जानते हैं ग्रीनविच से गुजरने वाली जो 0 डिग्री मानक समय रेखा है उसके हिसाब से बांटा गया है पूरे पूरे विश्व को, अलग अलग समय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो चूंकि भारत का विस्तार बहुत बड़ा है, ठीक है, और हर एक 4 डिग्री के बाद आपका जो है एक कुछ समय जो है 1 घंटा के आसपास का जो समय है वो बढ़ जाता है। इस कारण से 82.5 डिग्री ईस्ट का जो हमारा ये सारे यहाँ पर देख सकते हैं आप, 82.5 डिग्री ईस्ट का जो ये रेखा है इसको जो है भारत के लिए मानक समय रेखा माना गया है। और यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश के अलाहाबाद के नैनी से या फिर आप कह सकते हैं यूपी में मिर्जापुर से ये गुजरता है, ठीक है। यूपी में मिर्जापुर जो है ये आपका एनसीईआरटी की किताब में दिया है और कुछ पुस्तकों में, कुछ मानक पुस्तकें हैं उनमें नैनी जो है जगह प्रयागराज भी दिया गया, तो मैंने दोनों लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। आप दोनों याद रखेंगे एग्जाम के हिसाब से, आप अगर मिर्जापुर ऑप्शन में होता है तो मिर्जापुर मारेंगे और अगर नैनी प्रयागराज दिया हुआ है तो प्रयागराज भी सही होगा। अब देखते हैं आगे, पूर्व में मौजूद अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में मौजूद गुजरात के बीच का अंतर लगभग 2 घंटे का। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश है और ये जो है वो आपका गुजरात है, तो दोनों के बीच का जो देशांतर का वो जो है विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है और इसलिए समय जो है वो 2 घंटे का हो जाता है। दोनों के बीच में जो समय का अंतर है वो 2 घंटे का हो जाता है, ठीक है। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर अक्षांशीय सीमा दिन और रात की अवधि को भी प्रभावित करती है। जब हम दक्षिण से लेकर के और उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो जो अक्षांशीय सीमा है उसका भी विस्तार बहुत अधिक है, तो इस कारण से दिन और रात की जो अवधि होती है, जो लंबाई होती है, उसको भी ये प्रभावित करती है। क्योंकि भारत बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है इस कारण से ये अंतर आता है, ये समय का अंतर आता है और दिन और रात की अवधि का ये अंतर आता है। अच्छा, मैप पर एक और चीज आप देख सकते हैं, जो पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है, और जो आपका उत्तर से दक्षिण का विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है। तो ये भी याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है भारत का वो 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार, जो पूर्व से पश्चिम का विस्तार है वो 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपने मैप पर देख लिया। अब आगे देखते हैं हम लोग भारत और विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका पूरा एशिया महाद्वीप है, ये जो बैगनी में है ये एशिया महाद्वीप है और यहाँ पर देख सकते हैं यहां से लेकर के और यहां तक ये फैला हुआ है। तो पूर्व और पश्चिम अगर हम लोग देख लें तो भारत कहाँ है, केंद्र में स्थित है, मतलब बीच में स्थित है। और अगर उत्तर और दक्षिण देखें तो भारत कहाँ स्थित है, साउथ में स्थित है, ठीक है। तो इसलिए इसको साउथ एशिया का पार्ट माना जाता है भारत को, लेकिन ये यहाँ पर जो लाइन दिया हुआ है उसका अर्थ है कि पूर्व और पश्चिम को अगर देखा जाए तो भारत कहाँ है, बीच में स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम यूरोपीय देशों, एशियाई से एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए, मतलब जो आपका दक्षिण का पठार है वो हिंद महासागर में फैला हुआ है और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है और भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया है। जैसा आप जानते हैं भारत को हिंदुस्तान कहा जाता है और हिंदुस्तान जो है उससे ही शब्द जो है ये हिंद महासागर निकला है, ठीक है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क जो है वो युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। पहले क्या होता था कि जो यात्री है, यूरोपीय यात्री या फिर विदेशी यात्री जो भी हैं वो कहाँ से आते थे, भारत के जो आपके उत्तर पश्चिम में जो पहाड़ी भाग है उधर से होकर के आते थे। तो ये चूंकि समुद्री मार्ग की खोज उस समय तक नहीं हुई थी,
तो यही कहा जा रहा है यहाँ पर कि यह संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। प्राचीन काल में समुद्री मार्ग की जानकारी न होने के कारण अनेक यात्री उत्तरी पर्वतीय दर्रों से होकर के भारत आते थे। प्राचीन समय से ही भूमार्गों से ही विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली के साथ साथ मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मतलब ये सब जो भी है, भारत की जो भी संस्कृति है, विरासत है, जो भी भारत में उत्पादित सामान है, जो मसाले हैं, मलमल है, कपड़े हैं, जिनका भारत में बहुत विकसित व्यवसाय हुआ करता था, ये सब जो है वो भूमार्गों से ही, मतलब लैंड रूट से ही जो है वो विश्व के अनेक भागों तक पहुंचता था। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुरुओं का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। हमारे यहाँ जो स्थापत्य कला है और जो वास्तुकला है उस पर जो है पश्चिमी एशिया और यूनानी स्थापत्य कला का प्रभाव देखा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे यूनानियों ने और पश्चिमी एशिया के बहुत सारे साम्राज्यों ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया, यहाँ से बहुत सारा लूट खसोट भी किया और यहाँ पर बहुत दिनों तक शासन भी किया। इस कारण से जो भारतीय स्थापत्य कला है और वास्तुकला है उन पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। उसके अलावा हमारे देश में बहुत सारे गुरुओं का जन्म हुआ, जैसे हमारे प्राचीन सभ्यता में आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे ऋषि मुनि हैं या फिर सिख गुरु हैं, उनका जो प्रभाव है यहाँ पर देखा जा सकता है। गुरु से मतलब यहाँ पर जो विभिन्न धर्मों के गुरु हैं या फिर जो विभिन्न संप्रदायों के गुरु हैं, विभिन्न विचारों को विभिन्न दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से लाने वाले जो गुरु हैं या फिर भारत में जन्म लेने वाले जो बहुत महान लोग हैं, उनके जो विचारधारा है उनका प्रभाव हमारे यहाँ देखा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं भारत के पर्व। ये आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग से संबंधित ये मानचित्र है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये स्वेज नहर है, यहाँ पर मिस्र है। तो इसके ये मैप आपका जानना बहुत जरूरी होता है, यहाँ से आपको विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनके बारे में सटीक जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं कि भारत के विभिन्न दिशाओं में कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं, किधर कौन सा महादेश है, कौन सा महासागर है, ये सब मानचित्र से आपको आसानी से पता चल जाता है। तो इस कारण से ये जरूरी होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से मानचित्र और वीडियो को पॉज करके और इसको और अच्छे से जूम करके देख सकते हैं और इससे लाभ उठा सकते हैं। भारत के पड़ोसी देश, भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस ये एनसीईआरटी में दूसरा दिया था उस समय के हिसाब से, लेकिन अभी मैंने अपडेट कर दिया है क्योंकि आप जानते हैं भारत में 29 राज्य हो गए थे तेलंगाना के गठन के बाद, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा हटा करके उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इस कारण से हमारे यहाँ कितने राज्य हो गए हैं, 28 राज्य हो गए हैं। और चूंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है, इसलिए केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई है। तो इसको मैंने अपडेटेड लिखा है। जो अपनी सीमाएं भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों के साथ बांटते हैं, तो उत्तर पश्चिम में जो पड़ोसी देश है वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में नेपाल, चीन और भूटान है, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश है, और दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो उत्तर पश्चिम का एरिया है वहां पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, यहाँ पर आपका उत्तर में कौन सा है, नेपाल है, भूटान है, और ऊपर में इधर चीन है, लेकिन इसको पड़ोसी देश नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर आपका पूर्व में बांग्लादेश है और इधर ही यहाँ पर म्यांमार भी है, इसमें नहीं दिया है लेकिन यहाँ पर जो है म्यांमार भी है, और आपका दक्षिण में कौन कौन सा है, श्रीलंका है और ये मालदीव है। ठीक है, श्रीलंका और मालदीव आपका कहाँ है, हिंद महासागर में स्थित है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए होते हैं अध्याय में, हर एक अध्याय में दिए होते हैं, तो उसको भी मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया है। पहला पॉइंट है भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट 2004 में सुनामी के दौरान समुद्र के पानी के नीचे डूब गया था। ये कुछ पॉइंट होते हैं, याद रखना भी चाहें तो रख सकते हैं या फिर दिमाग में रखिए, बस जरूरत हो तो
ठीक है, इस्तेमाल कीजिए नहीं तो नहीं कीजिए। 1869 में स्वेज नहर के खुलने के बाद से भारत की यूरोप से दूरी 7000 किलोमीटर तक कम हो गई। तो यहाँ पर एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आ गया कि स्वेज नहर कब खुला था, 1869 में खुला था। 1947 से पहले भारत में दो प्रकार के राज्य थे, प्रांतें थी और रियासतें थी। प्रांतों पर सीधे वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए ब्रिटिश अधिकारियों का शासन था और रियासतों पर स्थानीय वंशानुगत शासकों का शासन था, जिन्होंने स्थानीय स्वायत्तता के बदले संप्रभुता को स्वीकार किया था। ठीक है, तो यहाँ पर यह चैप्टर समाप्त होता है। आगे देख लेते हैं हम लोग, कुछ अभ्यास प्रश्न थे उसको भी मैंने यहाँ पे सम्मिलित किया है, ताकि अगर आप यूज करना चाहें तो इसको बना भी सकते हैं और नहीं तो केवल देख लीजिए। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो यहाँ पर एक सूत्र होता है इसका, मित्र पर गमछा झार। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो राजस्थान से होकर के गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरती है, त्रिपुरा से होकर के गुजरती है, लेकिन यहाँ ओडिशा से होकर के, मतलब उड़ीसा से होकर के नहीं गुजरती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो ये हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। जैसा पीछे आपने देखा है, मैंने बताया भी है कहाँ से कहाँ तक देशांतर का विस्तार है, तो 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो ये जो है उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पर देख करके आप बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल हो गया और ये हो गया सिक्किम। तो ये जो है नेपाल की सीमा को छूती है और इसमें उत्तराखंड भी है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? उत्तर आपका नेपाल हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आगे, ग्रीष्मावकाश पर आप यदि कावारत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती, तो आप सीधा बता सकते हैं कि लक्षद्वीप जाएंगे। उसके बाद है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप यह बताइए कौन सा देश है? कौन से देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? भूटान की लगती है, बांग्लादेश की लगती है, ताजिकिस्तान की नहीं लगती है और नेपाल की भी लगती है। तो यहाँ पर आप ताजिकिस्तान को यहाँ से छाड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ संक्षेप में प्रश्न देने के, उत्तर देने वाले प्रश्न हैं और कुछ जो है आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। तो इसको आप देख सकते हैं, अगर इच्छा हो तो बनाइए, लिखिए। और लिखना जितना ज्यादा महत्वपूर्ण है उतना कुछ और नहीं है, तो आप लिख सकते हैं उत्तर इसका। धीरे धीरे लिखने की प्रैक्टिस भी इससे हो जाएगी। ये एक मैप मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके डाल दिया था, ताकि हम लोग देख सके कि कौन कौन से देश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य की सीमा जुड़ती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अफगानिस्तान के साथ जो है वो सीधा यहाँ पर जम्मू कश्मीर की सीमा जुड़ती है, जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है फिलहाल, पीओके। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य की सीमा जुड़ती है? ये जम्मू कश्मीर जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, इसकी सीमा जुड़ती है। फिर आपका पंजाब हो गया, इसकी सीमा जुड़ती है। फिर आपका इधर आइए तो राजस्थान की सीमा जुड़ती है और इधर गुजरात की सीमा जुड़ती है। ठीक है, तो ये चार जो है इनकी सीमा पाकिस्तान से जुड़ती है। और इसके लिए मैंने नीचे लिस्ट भी एक लिख दिया है, तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमा जो है वो पाकिस्तान से जुड़ती है। और ये सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 3,323 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखें नेपाल में देख ले, तो नेपाल की सीमा किस किस से होकर के जुड़ती है? उत्तराखंड से होकर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर सिक्किम हो गया, इधर पश्चिम बंगाल हो गया। तो नेपाल की सीमा जो है ये पांच राज्यों से होकर के जुड़ती है, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। और ये सीमा कितना है? 1,751 किलोमीटर है। ये जो दिया हुआ है ये किलोमीटर में दिया हुआ है आंकड़ा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख ले बांग्लादेश, अगर देख ले तो इधर आपका यहाँ पे बांग्लादेश है। ठीक है, और यहाँ पर चूंकि छोटा छोटा लिखा हुआ है, लेकिन ये बांग्लादेश से की सीमा जो है ये पश्चिम बंगाल से जरूर जुड़ती है, मेघालय से जरूर जुड़ती है, त्रिपुरा से जरूर जुड़ती है, ठीक है, असम से भी जुड़ती है और इधर सिक्किम से भी जुड़ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम से जुड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कोमा छूट गया है, यहाँ पर कोमा लगा लीजिएगा। अब देखते हैं चीन, तो चीन की सीमा जो है वो जम्मू कश्मीर से जुड़ती है। ठीक है, पहले ये जो था वो पाकिस्तान का ही क्षेत्र था, लेकिन पाकिस्तान ने इसको चीन को दे दिया, जिसको अक्साई चीन बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी फिलहाल चीन का कब्जा है।
ये जम्मू कश्मीर बोल सकते हैं क्योंकि भारत का ही भाग उसको माना जाता है और है भी। तो इससे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा जुड़ती है 3488 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आते हैं म्यांमार। तो म्यांमार इसमें दिया हुआ है या नहीं, म्यांमार ठीक से दिख नहीं रहा। ये रहा म्यांमार आपका। तो म्यांमार की जो सीमा है वो आपका मिजोरम से जुड़ती है, मणिपुर से जुड़ती है, नागालैंड से जुड़ती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, और ये 1643 किलोमीटर की सीमा है। और ये आपका भूटान हो गया, भूटान की सीमा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम से जुड़ती है। भूटान ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये भूटान है, सिक्किम से जुड़ती है, असम से जुड़ती है, अरुणाचल प्रदेश से जुड़ती है। और यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल से जुड़ती है और अफगानिस्तान में बता चुका हूँ। तो इस प्रकार से आप ये लिस्ट भी याद करके देख सकते हैं और यहाँ पर मैप से भी आप देख सकते हैं। और इसी के साथ हमारा अध्याय 1 जो है यहाँ पर समाप्त होता है। इसमें मैंने बुक से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते थे वो सबको मैंने शामिल किया है, और मैंने जितने भी मैप इम्पोर्टेंट थे वो मैप भी मैंने शामिल किया है। तो आपको बुक पढ़ने की बिल्कुल ही भी आवश्यकता नहीं रह जाएगी और हर अध्याय में ऐसा ही होगा। मैं इसी प्रकार के क्रिस्प नोट्स आपको दूंगा जो कि हिंदी माध्यम में होंगे और सारे सारे मैप्स वगैरह जो भी होंगे वो सारे उपलब्ध होंगे। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ जानकारी आपको मिली हो और लगा हो कि हाँ मैंने मेहनत की है, तो इस अपने YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें और उनको बताएं कि इस तरह का एक नया चैनल है जहाँ पे ये NCERT का प्रोग्राम शुरू किया गया है और आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो थोड़ी मेरी भी मदद हो जाएगी और आपके दोस्तों की भी मदद हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट, जय हिंद।